प्रदेश के दूसरे महत्वपूर्ण शहर धर्मशाला नगर निगम के मेयर व डिप्टी मेयर के चुनाव से पहले सीएम जयराम ठाकुर धर्मशाला पहुंचे। आज ही नव निर्वाचित पार्षदों के शपथ ग्रहण समारोह भी होना है और उसी के साथ मेयर डिप्टी मेयर का चुनाव करवाए जाएंगे। ऐसे में सीएम ने धर्मशाला में मोर्चा संभाल लिया है। सीएम जयराम ठाकुर जहां पहले सर्किट हाउस में नवनिर्वाचित भाजपा पार्षदों व पदाधिकारियों से बैठक करेंगे, उसके उपरांत सीएम का मिनी सचिवालय धर्मशाला के कैबिनेट हॉल में जिला कांगड़ा व चंबा की कोविड 19 की स्थिति की समीक्षा बैठक का कार्यक्रम निर्धारित है। कुल मिलाकर सीएम के धर्मशाला दौरे से मेयर डिप्टी मेयर के चुनाव को लेकर सरगर्मियां बढ़ गई है। अब देखना ये होगा कि सीएम ने खुद धर्मशाला में मोर्चा संभाला है तो किस तरह की रणनीति के तहत मेयर डिप्टी मेयर के चुनाव को अंजाम दिया जाता है। सीएम जयराम ठाकुर ने कहा कि कोविड के बढ़ते मामलों को लेकर सरकार ने एक एडवाइजरी जारी की है, पर्यटन सीजन प्रभावित न हो जिसके चलते होटल इंडस्ट्री के लिए एसओपी जारी की है। जो भी लोग बाहर से आएंगे और होटल में जाएंगे, वहीं एसओपी के तहत होटलियर्स सभी चीजों को सुनिश्चित करेंगे। पर्यटकों को बॉर्डर और रास्ते में रोककर चेक करना असुविधाजनक होता है। ऐसे में जिस भी होटल में पर्यटक जाएंगे, वहां एसओपी को सख्ती से लागू किया जाएगा। कोविड के मामलों को देखते हुए, क्योंकि लगातार तेजी से इसमें जो है वो इंक्रीज हो रहा है, ऐसे में हमने एडवाइजरी जो जारी की है उसको मॉनिटर करने के लिए हमने मैकेनिज्म किया है उसमें। और मैं यही कह रहा था पहले कि पहले तो हम चाह रहे थे कि हमारा टूरिस्ट सीजन जो है प्रभावित ना हो, इसको देखते हुए, क्योंकि पिछले साल भी हम टूरिस्ट सीजन को खोए हैं पूरी तरह से इस कोविड के कारण। ऐसे में अब की बार कुछ गुंजाइश बनी रहे, सब लोगों का ऐसा कहना था। हालांकि हमने एसओपी जो है वो जारी किया है जो होटल इंडस्ट्रीज हैं, तो सबसे ज़्यादा इसको इन्फोर्स करने के लिए, सबसे ज़्यादा इसको वहाँ पर देखने के लिए, जहाँ भी जो बाहर के लोग आएंगे होटल में जाएंगे, वहाँ जो एसओपी जो हमने जारी किया है उसके तहत उन सारी चीज़ को वहाँ पर इंश्योर करेंगे। बीच में रोक करके चेक करना, बॉर्डर पे चेक करना, वो बहुत असुविधा देता है, मुश्किल देता है, लोगों को कठिनाई देता है। तो ऐसी सूरत में उस सारे मैकेनिज्म का हमने यही इसी तरह से किया है कि जहाँ भी वो होटल वगैरह में जाएंगे, पर्टिकुलरली ज़्यादा इसमें टूरिस्ट ही लोग होंगे, और टूरिस्ट के साथ वो बिजनेस कम्युनिटी के लोग जो प्रेफरेबली होटल में ठहरेंगे, तो होटल में जो एसओपी हमने जो जारी किया ठहरने के लिए उसको स्ट्रिक्टली इन्फोर्स करेंगे। थैंक यू।